हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बाजरे की रोटी बनाने चल रहे हैं। तो हम 2 कटोरी आटा लिए हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा हम लगा रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं। इसको अच्छी बराबर से अच्छी तरीके से आटा सान रहे हैं। इस तरह ये ठंड में बहुत ही स्वादिष्ट आती है, आलू मटर टमाटर सब सब्जी के साथ। इस तरीके से हम आटा लगा रहे हैं, इसको बराबर मसल रहे हैं ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, पानी हल्का हल्का लगा के इसको बराबर 5-7 मिनट अच्छी तरीके से मसलते रहना चाहिए ताकि आटा मुलायम रहे तो रोटी फटे ना। और बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है और खाने में भी मज़ा आता है। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको बराबर सान रहे हैं आटा को। ये देखिए, आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसको भी हम थोड़ा और मसल लेते हैं। ये आटा हम लगा 4 लोई बना लिए हैं। इस तरह इसको हल्का से एक एक लोई करके मसल के और हम बनाएंगे। तो इस तरह इसको हम गोला कर रहे हैं। ये देखिए, गोला करके हम इसको लोई बना लिए हैं। इसमें हल्का हल्का पानी लगा के हम गद्दी के सहारे से इसको दबाएंगे। देखिए, फट नहीं रहा है आटा, हमने बहुत अच्छी तरीके से लगाया था, बहुत ही अच्छी तरीके से बन रहा है। तावा इधर गरम है तो इसको हम डाल दिए हैं। तावा मीडियम गरम है, इसको हम डाल दिए हैं। और गैस धीमा ही रखिएगा, तेज़ नहीं करिएगा, आराम से ही पकता है। क्योंकि मोटा है तो धीरे धीरे पकेगा, तो भी अंदर से पकेगा ये। अब इसको हम पलट दे रहे हैं। ये देखिए, पलट दिए हैं तो हमने हल्का सा दबा दे रहे हैं पीछे की तरफ, अच्छी तरीके से चिपक के हो जाए। अब इसको देखिए, पलट दिए, दोनों तरफ हो गया है। अब हम तावा हटा के इसको सेकेंगे, गैस तेज कर लेते हैं। देखिए, मीडियम गैस पे हम बना रहे थे। अब इसको हम खड़ा करके चारों तरफ पहले बराबर से सेकेंगे। इस तरह हम इसको बराबर से सेक रहे हैं, जितना पकेगा उतना ही स्वाद इसमें आएगा। ये देखिए, चारों तरफ से इसको अच्छी तरीके से सेक दे रहे हैं। ये देखिए, अब हमारा सेक गया है दोनों तरफ। इसको अब हम हटा देते हैं। तावा रख देते हैं। इसी तरह हम और बना ले रहे हैं। ये देखिए, उंगली से चारों तरफ हम इसको कर दे रहे हैं तो फटेगा नहीं। अब इसको हम गद्दी के सहारे बड़ा कर ले रहे हैं। इसी तरह हम सभी रोटियां बना ले रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से डाल के हल्का गैस धीमा ही रखिएगा, नहीं तो जल जाएगा। ये भी सेक ले रहे हैं हम। ये हमारी बाजरे की रोटियां बन के तैयार हो गई हैं। आप लोग देखिए, कितनी ही अच्छी बनी है देखने में, और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। यह आप आलू मटर के टमाटर सब्जी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट आती है। और ठंड में शरीर भी गर्म रखता है, आप इसको हमेशा भी बना सकती हैं। बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं इसको। ये हमारा तरीका अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।